हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप सभी का स्वागत है मिस्टर धारणा यूट्यूब चैनल पे। भाई अगर आप मेरे जैसे वीडियो बनाते हो या फिर अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये वाले वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रोजेक्ट बनाते हो और उसके ऊपर जो कलर करते हो उसके लिए स्प्रे कलर लाते होंगे, वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं और कुछ ही टाइम में खत्म हो जाते हैं। तो उसका मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है, जो कि आप घर पे उस मशीन को बना लोगे ना तो यार आपका काम काफी ईजी हो जाएगा और आपके पैसे भी बचने वाले हैं। ये काफी सिंपल प्रोजेक्ट है लेकिन काफी ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है, तो इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने स्किप किया तो आपको बहुत सारी नॉलेज जो है छूट जाएगी, फिर आपका ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा और आप मुझे कमेंट करोगे, तो इस वीडियो को जरूर पूरी देखना। चालू करते हैं इस वाले प्रोजेक्ट को फटाफट से। चलो तो भाइयों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं सबसे पहले ढूंढना होगा ढांडो का डॉक्टर और उसके पास से लेके आना है मोटा सा इंजेक्शन और दो मोटी वाली सुई। और ये आप पुराना भी यूज कर सकते हो लेकिन उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर थिनर लेना है और थिनर से इसके ऊपर जो मार्किंग लगी हुई है इन सभी को हम हटा देंगे। यहाँ पर अगर आपको पता नहीं थिनर क्या होता है तो आप सभी को बता दूं कि आपकी मम्मी जो नेल पॉलिश रिमूव करती है उसी को थिनर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कपड़े में लगाकर इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। अगर क्लीन नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं भाइयों, कोई आपको पाप लगने वाला नहीं है। अब यहाँ पर लेना है हमें एक बाइसिकल टायर जो होता है, ट्यूब जो होती है उसके अंदर जो वाल लगा होता है वो यहाँ पर यूज़ करना है। आप पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए थे, अपन ज़्यादा पैसे दे देते इसलिए मैं नया लेके आया हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे की साइड में जो ट्यूब जो दिख रही है आपको मोटा सा, इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छील देंगे। इसके यहाँ पर आप जो ट्यूब वाला होता है वाल्व वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, पुराना आप यहाँ पर निकाल लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हमारा इंजेक्शन जो है, इस इंजेक्शन का जो हम पिस्टन निकाल देंगे और यहाँ पर बीच में एक होल करना होगा। होल इतना बड़ा करना है कि उसके अंदर हमारा जो वाल है यहाँ पर अच्छे से आ जाए, ना तो ज़्यादा टाइट रहना चाहिए ना ज़्यादा ढीला रहना चाहिए। और भाइयों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पर मैं एक टॉय मोटर लेने वाला हूँ, टॉयज के अंदर से निकाली हुई मोटर टॉय मोटर होती है, ये आपको पुरानी वाली यूज़ करना है, ख़राब जो हो चुकी है नहीं निकालोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर इसका आगे का जो बुश है उस बुश को हम निकाल लेंगे और आर्मेचर के अंदर जो यहाँ पर लगी हुई शाफ्ट है उसको भी हमें निकालना होगा, तो फटाफट से मैं इसको निकाल देता हूँ। और भाइयों, मैं भूल गया था कि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ऊपर की साइड में एक होल और करना होगा और ये जो वाल्व के जस्ट ऊपर की साइड में होना चाहिए जहाँ पर हमारा जो है बुश है इजीली लग जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम सुपर ग्लू लगाएंगे और इसके चारों तरफ से इसको चिपका देंगे। अब यहाँ पर शाफ्ट जो है, इस शाफ्ट को मैंने कट कर दिया है और एक कील जैसा बना दिया है, जैसे इसको हम दबाएंगे हमारा वाल्व जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है भाई, आप सभी ने बाइक की हवा निकाली होगी तो आप सभी को पता ही है कि इसको ऑन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हो भैंसों के जो सुई लगाई जाती है वही सुई यहाँ पर हमें यूज़ करनी है और यहाँ पर दो सुई मैं लेके आया हूँ और इसके अंदर से इसकी नीडल निकाल लेंगे और पीछे का जो केप है इसको हम रख देंगे एक का और दूसरी वाले के आगे की साइड से इसको फंसा देंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब भाई यहाँ पर क्या करना है, देख सकते हो ये जो नीडल है काफ़ी ज़्यादा लंबी दिख रही है तो यहाँ पर इसको इतना लंबा कट कर देंगे और जो हमने दूसरी वाली नीडल निकाली थी उसको यहाँ पर हम 90 डिग्री पर होल करके इसको इस टाइप से फंसा देंगे। तो फाइनली गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसको इस टाइप से लगा चुका हूँ और यहाँ पर ये देख सकते हो पूरी अंदर तक नहीं दबानी है, बस इसको मिडल में ही रखनी है आपको। और यहाँ पर इसको आगे से उल्टा केप लगाने के बाद सुपर ग्लू से चिपका देंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाइयों, क्योंकि मैं आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। अगर आपने स्किप की तो आपको बहुत सारे पार्ट छूट जाएंगे, उसके बाद आपका जो ये स्प्रे काम नहीं करेगा। आप मुझे कमेंट करोगे कि विशाल भाई फेक वीडियो बनाया, लेकिन विशाल भाई फेक वीडियो नहीं बनाते। देख सकते हो कि इस टाइप से आपको इसको सेट करना है, दोनों नीडल को एक के ऊपर एक नहीं रखना है, बस एक को पीछे रखना है। अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो वाल लगाया था इस वाल को सुपर ग्लू से लगाना चिपकाना भूल गए थे, तो यहाँ पर लगा देते सुपर ग्लू भी, क्योंकि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब पिस्टन हमारा जो है एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर पीछे की साइड में आ सकता है, तो थोड़ा ग्लू लगाकर इसको भी चिपका दीजिए यहाँ पर। फाइनली गाइज, यहाँ पर ये दोनों अच्छे तरीके से चिपक गए हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, एक छोटी सी डिब्बी लेनी होगी आप सभी को। डिब्बी आप जो है झंडू बाम की भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे पास खाली डिब्बी नहीं थी तो यहाँ पर मैं एक इस टाइप की लंबी सी छोटी सी नली का
डिब्बी का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप थोड़ी बड़ी साइज की यहाँ पर यूज करना क्योंकि यार इसके अंदर जो कलर है काफी जल्दी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इसका ढक्कन के अंदर हमने नीडल जो लगाए थे नीचे वाली उसको हम फंसा देंगे और ऊपर की साइड में यहाँ पर तीन होल कर देंगे ताकि इसके अंदर जो है हवा चलती रहे इसके अंदर। अगर इसके अंदर हवा नहीं जाएगी तो इसके अंदर वैक्यूम बनेगा और हमारा स्प्रे काम नहीं करने वाला यहाँ पर। फाइनली गाइज यहाँ पर इसको हम नीडल को चिपका देंगे और चिपकाने के बाद में यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है इसका। तो फाइनली गाइज अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस डिब्बी को नीचे की साइड में लगाएंगे इस टाइप से कलर भरने के बाद में। तो अभी तो हम ऐसे ही लगा देंगे इसको और यहाँ पर इंजेक्शन के सामने इसको इस टाइप से फिट कर देंगे। अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक ऐसा जुगाड़ करना होगा जो इसके अंदर से एयर प्रेशर को स्पीड से फेंक से। तो यहाँ पर हमें एयर की ज़रूरत है काफ़ी हाई प्रेशर वाली। तो फाइनली गाइज हमारी स्प्रे मशीन यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो हवा प्रेशर डालने के लिए एक नली को अटैच कर दिया है। तो भाई यहाँ पर जो नली अटैच की है, इस नली के अंदर जो हवा आने वाली है वो यहाँ पर टायर इन्फ्लुएटर के अंदर से आने वाली है। अगर भाई आपके पास टायर इन्फ्लुएटर नहीं है तो आप किसी और चीज का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो जिसके अंदर से हाई स्पीड में यहाँ पर जो हमारी एयर आनी चाहिए इसके अंदर। भाई यहाँ पर जो आप देख सकते हो छोटी सी डिब्बी लगाई थी, इसके अंदर हम कलर डालने वाले हैं। भाई इसके अंदर आप कोई सा भी कलर डाल सकते हो लिक्विड फॉर्म के अंदर, लेकिन भाई अभी हमारे पास और कलर नहीं है तो यहाँ पर स्प्रे कलर के अंदर से इसका कलर निकालेंगे और इसको अंदर यहाँ पर डाल देंगे हम। फाइनली गाइस इसके अंदर हमने कलर डाल दिया है और यहां पर अब इसको हम इस टाइप से अटैच कर देंगे। भाई इस व्हाइट कलर के बोर्ड के ऊपर यहाँ पर स्प्रे करेंगे और देखेंगे ये यहाँ कैसे काम करता है। फाइनली गाइस यहाँ पर हमारी स्प्रे मशीन अच्छे से काम कर रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये छींटे काफी ज्यादा उड़ा रही है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में हमने कलर डाला है वो ज्यादा थोड़ा गट्टा है, इसके यहाँ पर थोड़ा हमें थोड़ा पतला करना होगा। और दूसरी बात कि यहाँ से जो हमारा एयर प्रेशर आ रहा है उसको यहाँ पर बढ़ाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो स्प्रे है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हमारे स्मूथ होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और भाइयों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये फेस हो रही है कि हमने जो कलर भरा है वो यहाँ पर मोटे मोटे डब्बे के अंदर कुछ छींटे लग रहे हैं, ज्यादा नहीं लग रहे हैं, ज्यादा तो हमारा स्प्रे हो रहा है लेकिन हल्के फुल्के साइडों में आ रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है भाइयों कि इसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो आपको ज्यादा रखना होगा। दूसरी बात इसके अंदर जो आप कलर डाल रहे हो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा गट्ठा रखेगा तो इसके छींटे उड़ेंगे, अगर आप पतला रखोगे तो काफी अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पर जो बोतल आप रख रहे हो वो थोड़ी बड़ी साइज की रखना क्योंकि छोटी साइज की बोतल के अंदर कलर कम आएगा और कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएगा। तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।